हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम वाटर कलर पेंसिल्स यूज़ करके इतना यमी बर्गर बना सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने किस तरह से वाटर कलर पेंसिल्स यहाँ यूज़ करी हैं और ये बर्गर बनाया है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। हाय, मेरा नाम पूजा है और मैं यहाँ इस चैनल पर अपनी आर्ट नॉलेज शेयर करती हूँ। ये मेरा आर्ट चैनल है, आर्टिस्ट ऑफ पूजा हिंदी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और इसी तरह की नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, यहाँ पर शुरुआत करी है मैंने। एक बर्गर का शेप बनाया है मैंने, ड्रॉ कर लिया था मैंने। ये मैकडी का जो बर्गर आता है, मैंने उसमें से देख के ड्रॉ किया, फिर उसमें अपने कुछ चेंजेस कर दिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें कुछ ब्राउन के शेड्स अप्लाई करे हैं। यहाँ देखिए, मैं लाइट टू डार्क चलती हूँ। पहले मैंने लाइट कलर अप्लाई किया, स्किन कलर था वो, फिर मैंने ब्राउन का शेड अप्लाई किया लाइट, और अब मैं डार्क कलर अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर, डार्क ब्राउन कलर। तो यहाँ पर जो मैं वाटर कलर पेंसिल्स यूज़ कर रही हूँ उसमें मेरे पास 3-4 ब्राउन के शेड्स हैं। तो अगर आपके पास ब्राउन के 3-4 शेड्स नहीं हैं वाटर कलर पेंसिल्स में, केवल 2 शेड्स हैं, तो भी आप लाइट टू डार्क अप्लाई करके उसके ऊपर इस तरह से कर सकते हैं। तो जब हम बिल्कुल हमको इसी तरह करना है जैसे हम पेंसिल कलर यूज़ करते हैं। जिस तरह हम पेंसिल कलर यूज़ करते हैं, तो अगर आपने कभी करे हुए हैं पेंसिल कलर, तो हम उसमें भी लाइट टू डार्क ही चलते हैं। और जहाँ शेड्स आ रहे हैं डार्क के, वहाँ डार्क अप्लाई कर दीजिए, और जहाँ लाइट शेड आ रहा है वहाँ लाइट अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से करते जाना है। अभी हमको वाटर अप्लाई नहीं करना है। देखिए, जब तक मेरी फर्स्ट लेयर कम्प्लीट नहीं हो जाएगी तब तक मैं वाटर अप्लाई नहीं करूँगी। तो यहाँ मैं डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ डार्क ब्राउन कलर से, अगर आप देख सकते हैं तो। और यहाँ डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ मैं, लास्ट में फिनिशिंग दे रही हूँ एक बार डार्क ब्राउन कलर से। तो इसमें मुझे थोड़ा सा येलो का टच भी देना है बर्गर बन में, लेकिन वो मैं लास्ट के अंदर दूंगी। इस तरह से मैंने यहाँ शेडो भी कर दिया है डार्क ब्राउन कलर से, शेडो के लिए अप्लाई कर दिया है डार्क ब्राउन कलर। देखिए, ये जो येलो कलर मैंने यूज़ करा है, यहाँ पर मैं येलो कलर के 2-3 शेड्स यूज़ करूँगी और फिर मैं ऑरेंज भी यूज़ करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लेमन येलो ले लिया है और मैं लेमन येलो लगा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज कलर अप्लाई कर रही हूँ। देखिए, तो इस तरह से मैं शेड्स अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ लाइट टू डार्क मैं जाना पसंद करती हूँ, मैं अपनी पेंटिंग्स बनाती हूँ तो उसमें भी मैं लाइट टू डार्क ही वर्क करती हूँ, और मुझे ये प्रोसीजर बहुत कन्वीनियंट लगता है। तो अगर आपको, सबके देखिए टेक्निक अलग होती है, ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। तो अगर आप बिगनर हैं, वाटर कलर पेंसिल्स करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ मैंने ग्रीन कलर में सैप ग्रीन यूज़ करा है। देखिए, जो मैंने ग्रीन कलर में बीच में वेजीज लगाते हैं हम बर्गर में, उसमें मैंने सैप ग्रीन यूज़ करा है। अब मैं ऑरेंज कलर को एक बार और टच दिया है। उसके बाद मैंने जो टमाटोज़ का कलर लिया है वो टमाटो रेड लिया है, और इसके अंदर जो मैं डार्क शेड अप्लाई करूँगी वो रेड के अंदर ही मैंने डार्क शेड अप्लाई कर दिया है। तो रेड के अंदर अगर आपके पास डार्क रेड कलर नहीं है तो आप लाइट ब्राउन कलर भी अप्लाई कर सकते हैं उसके बॉर्डर के ऊपर हल्का सा। तो यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ डार्क रेड कलर, जिसे हम मैरून कलर भी बोलते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ सिल्वर कलर अप्लाई किया है अनियन के लिए, जो प्याज का लुक देना था उसके लिए सिल्वर कलर अप्लाई किया। यहाँ मैंने राउंड ब्रश लिया है। मेरा राउंड ब्रश सिंथेटिक राउंड ब्रश है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, और मेरे राउंड ब्रश का नंबर है 3 नंबर। तो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ब्रश ले सकते हैं, जो आपका साइज़ है पेंटिंग का उसके हिसाब से, और आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ब्रश ले सकते हैं। तो यहाँ मैं वाटर अप्लाई कर रही हूँ। देखिए, वाटर जब अप्लाई करते हैं हम, तो हमको वाटर को बस वाटर में डिप करना है ब्रश को, और डायरेक्टली उसको अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो इस तरह से पूरे सरफेस को वेट करते चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो कलर्स हमने लगाए थे, वाटर कलर पेंसिल्स जो हमने लगाई थी, उसका पिगमेंट ब्रेक हो जाएगा और वो इस तरह से कलर वाटर कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, अब थोड़ा सा शेप आने लग गया बर्गर का, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट था पहले ड्राइंग करना। तो सबसे पहले आप कोई भी बर्गर का पिक्चर लेके ड्राइंग कर लीजिए, उसके बाद आप बनाना चालू करिए।
तो यहाँ मैं वाटर अप्लाई कर रही हूँ, देखिए शेडो के ऊपर भी। और अब वाटर अप्लाई करने से सारा पिगमेंट एकदम ब्रेक हो गया और बड़ा ही अच्छा सा लुक आ गया। अच्छा, अब यहाँ मेरा फर्स्ट लेयर ड्राई हो गया है, फिर मैं अपना सेकेंड लेयर अप्लाई कर रही हूँ। तो ड्राई होने के लिए ज़रूर छोड़ दीजिएगा फर्स्ट लेयर को, अगर आप गीले में अप्लाई करेंगे तो कलर्स ख़राब हो जाएंगे। एक अलग डिफरेंट टेक्निक है वो भी गीले में अप्लाई करना भी। तो यहाँ स्किन कलर लिया है मैंने, देखिए। तो अगर आपके पास स्किन कलर है तो आप स्किन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और ब्राउन का शेड वापस रिपीट कर रही हूँ मैं एक बार और। तो अगर आप देखना चाहते हैं, मेरा एक वीडियो है वाटर कलर टेक्निक्स एक्सप्लेन करी है मैंने उसमें काफ़ी अच्छी तरह, तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो उसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप वाटर कलर पेंसिल बिगनर हैं और आप समझना चाहते हैं कि किस तरह से वो टेक्निक्स यूज़ होंगी, तो वो अगर आप समझ लेंगे तो जब हम पेंटिंग पर वो टेक्निक अप्लाई करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो पेंटिंग पे टेक्निक किस तरह से अप्लाई होती है। यहाँ मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ किया है और यहाँ मैं रेड कलर भी वापस एक लेयर लगा रही हूँ और मैंने ग्रीन का भी रिपीट किया है लेयर, और यहाँ मैं ब्राउन कलर भी बीच में वापस अप्लाई कर रही हूँ। देखिए ब्राउन का, अगर डार्क ब्राउन का आपके पास ज़्यादा डार्क ब्राउन शेड नहीं है तो आप हल्का फुल्का ब्लैक भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रेशर थोड़ा कम लगाइएगा जब ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे तो। तो यहाँ इस तरह से ब्राउन, डार्क ब्राउन का शेड आ गया है। देखिए ये वाली जो टेक्निक है ये मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन करी हुई है, तो अगर आप मेरा वो वीडियो देख लेंगे, मैं उसको ऐड कर दूंगी बिल्कुल लास्ट के अंदर, स्क्रीन पे शो हो जाएगा वो, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप वाटर कलर पेंसिल्स अच्छे से सीखना चाहते हैं तो। इस तरह से डार्क ब्राउन कलर का मैं एक शेड डायरेक्ट पेंसिल पे, पहले मैंने ब्रश गीला किया फिर मैंने पेंसिल की टिप को टच किया, तो जब मैंने पेंसिल की टिप को टच किया तो उसका पिगमेंट पेंसिल पे से मेरे ब्रश के ऊपर आ गया और मैंने उसको पेपर के ऊपर अप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ मैंने जो लिया है वो वाटर कलर शीट लिया है, तो अगर आपके पास वाटर कलर शीट नहीं अवेलेबल होती है तो आप अच्छी आइवरी शीट के ऊपर भी वाटर कलर पेंसिल्स कर सकते हैं। आपकी शीट मोटी होनी चाहिए, लेकिन आप सोचते हैं स्केचिंग शीट के ऊपर कर लें या प्रिंटिंग शीट के ऊपर कर लें, तो वो नहीं हो सकता है। थोड़ा सा शीट को देखिएगा कि मोटी हो, अगर वाटर कलर शीट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। वैसे परफेक्ट तो देखिए वाटर कलर शीट ही रहती है वाटर कलर पेंसिल्स के लिए भी बहुत अच्छी। तो अगर आप वाटर कलर शीट्स पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है जो वाटर कलर शीट्स के ऊपर ही बनाया गया है, मैंने बिगनर्स के लिए बनाया है, वो भी मैं ऐड कर दूंगी बिल्कुल लास्ट के अंदर स्क्रीन पर, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। वो वीडियो बहुत हेल्पफुल है अगर आप वाटर कलर शीट्स सिलेक्ट करने में आपको अगर कन्फ्यूज़ हैं आप, तो वो वाटर कलर शीट सिलेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा वीडियो। तो देखिए यहाँ मैं डार्क रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ। अब देखिए कितना मेरा सैचुरेटेड होता जा रहा है कलर, जैसे जैसे मैं लेयर्स पे काम कर रही हूँ वैसे वैसे कितना ज़्यादा सैचुरेटेड होता जा रहा है कलर। तो यहाँ मैंने डार्क रेड कलर अप्लाई कर दिया है, और आप भी इस तरह से लेयर में ही प्रैक्टिस करिएगा। शुरुआत में जब हम बनाते हैं तो कई बार हमको लगता है कि अब ये तो वैसा नहीं बन रहा है जैसा हम चाह रहे थे, लेकिन जल्दी से डिस्करेज नहीं होना चाहिए, हरदम आखिरी तक कोशिश करनी चाहिए। जब तक आपका पेंटिंग आपकी, आप कहाँ तक लेके जा सकते हैं अपनी पेंटिंग को, वहाँ तक ज़रूर उसको आखिरी तक बनाना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में काम हो, हरदम पेंटिंग के अंदर काम होता है लेयर्स में, चाहे आप वाटर कलर कर रहे हैं, चाहे आप पेंसिल कलर नॉर्मल कर रहे हैं, या फिर आप ग्रेफाइट कर रहे हैं, चारकोल कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, वाटर कलर पेंसिल्स कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर हम ऑयल पेंटिंग या फिर हम एक्रेलिक पेंटिंग भी करते हैं तो हम लेयर्स में काम करते हैं, तो कभी भी हमको शुरुआत की लेयर्स को देख के डिस्करेज नहीं होना चाहिए। जब हम लास्ट के उसमें फिनिशिंग टच के लिए आते हैं तब हमारी पेंटिंग एक अच्छा सा आउटपुट देती है हमें। तो आप कोशिश करते रहें, एक बहुत ही ब्यूटीफुल निकल के आती है पेंटिंग लास्ट में। तो जब हम लेयर्स में काम करते हैं तो शुरुआत में हमारी लेयर्स इसी तरह से दिखती हैं।
यहाँ देखिए मैं डार्क ब्राउन कलर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ डार्क ब्राउन मुझे बहुत ही सैचुरेटेड लेना था कलर, एकदम थिक कलर अप्लाई किया है मैंने। मेरा ब्रश जो मैंने लिया है यहाँ पर, मैंने ब्रश नंबर 1 यूज़ कर रही हूँ मैं राउंड ब्रश का। तो पहले मैं वाटर में अप्लाई डिप कर रही हूँ ब्रश को, और फिर मैंने उसको ब्राउन कलर की टिप पे अप्लाई करके इस तरह से डिटेलिंग दी है। अब देखिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ येलो ऑकर कलर। तो ये येलो ऑकर कलर लिया है मैंने, और मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ करा है यहाँ पर। तो ब्रश हम हमारी कंफर्ट जोन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जैसा हमको लगता है कि हाँ यहाँ पर हमको फ्लैट ब्रश लगाना चाहिए या फिर यहाँ पे हमको राउंड ब्रश लगाना चाहिए, तो हम करते हैं। जैसे जैसे हम करते चले जाएंगे, प्रैक्टिस होती चली जाएगी, वैसे वैसे हमको आता चला जाएगा। तो यहाँ मैंने फ्लैट ब्रश लिया है, सिंथेटिक ब्रश है ये, नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है ईजीली। अब मैं यहाँ पर सिल्वर कलर अप्लाई कर रही हूँ। देखिए तो जब मेरे को छोटा एरिया कवर करना था तो मैंने राउंड ब्रश ले लिया है। तो यहाँ सिल्वर कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ अनियन के ऊपर, और यहाँ मेरे को एक येलो का टच देना था तो मैंने लेमन येलो लिया है, और मैं उससे बन के ऊपर येलो का टच दे रही हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था शुरुआत में कि लाइट टू डार्क चलना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं लाइट कलर बाद में अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक ग्लेजिंग वाला लुक देना है। तो एक तरह से मान लीजिए कि मैं ग्लेजिंग कर रही हूँ ये। अब देखिए यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर लिया है, और मुझे लगा कि ब्राउन का शेडो कम रहेगा तो मैं यहाँ ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरह से बर्गर जैसे जैसे बनता जा रहा है बड़ा ही यमी लगने लग गया है। मुझे लगता है आप लोगों का भी मन कर रहा होगा बर्गर खाने का इसे देखकर, तो जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए आज बर्गर ही खा लीजिए, बहुत ही यमी है। मुझे भी बनाते बनाते मन कर गया कि आज तो मैं बर्गर बनाने वाली हूँ घर पर। तो मैंने मकेन्स की टिक्की मंगाई फ्रोज़न, और फिर मैंने बर्गर बन मंगाया और मैं बर्गर बनाया लिया मैंने आज। देखिए यहाँ मैं येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ, डार्क येलो, और ये देखिए इस तरह से डार्क येलो कलर अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर। अब आप लोगों को दिख रहा होगा बर्गर कुछ ख़त्म होता दिख रहा है। देखिए अब मैं यहाँ पर देखिए क्या ले रही हूँ, ये मैंने लिया है पोस्टर कलर, जो वाटर कलर वाला होता है पोस्टर कलर। अगर आपके पास वाटर कलर है तो वाटर कलर लगा दीजिए, पोस्टर कलर है तो पोस्टर कलर लगा दीजिए, और अगर कुछ भी नहीं है तो आपके पास मार्कर होगा, वाइटनर होता है जो, तो वो वाइटनर से भी आप इस तरह के ये जो तिल के बीज होते हैं ये बना सकते हैं ऊपर, जो डिटेलिंग में हेल्प करेंगे आपको। तो वाइटनर से भी आप ये लुक दे सकते हैं जो मैं पोस्टर कलर यहाँ यूज़ कर रही हूँ, ब्रश और पोस्टर कलर, उससे मैंने यहाँ ये जो लुक दिया है। तो देखिए अब जैसे जैसे हम डिटेलिंग करते जाते हैं वैसे वैसे कितना ब्यूटीफुल निकल के आ गया है बर्गर, और बिल्कुल नेचुरल लुक आता जा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रही थी शुरुआत में बिल्कुल भी डिस्करेज ना हो जब तक आपकी पेंटिंग ख़त्म ना हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है बिगनर्स के लिए, ये टिप बिगनर्स के लिए है। चलिए तो मुझे लगता है हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। अगर आपको पसंद आया मेरा बर्गर तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो, और अगर आप खिलाना चाहते हैं ये बर्गर अपने किसी फ्रेंड को तो शेयर कर दीजिएगा मेरे इस बर्गर को अपने किसी फ्रेंड के साथ जो सीखना चाहता है वाटर कलर पेंसिल्स मेरे साथ हिंदी में, क्योंकि मेरा यह चैनल है आर्टिस्ट पूजा हिंदी। यहाँ मैं बात करती हूँ हिंदी में और आप लोगों को सिखाती हूँ हिंदी में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके और आप लोगों को सिखा के। यहाँ देखिए मैंने जो वाइट कलर अप्लाई किया था मुझे उसको ब्लेंड करना था, तो थोड़ा सा वाटर लगा के मैंने उस वाइट कलर को ब्लेंड कर दिया है। अब थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ब्लैक कलर से नीचे डॉट्स शो करने हैं, तो यहाँ मैंने ब्लैक कलर लिया है और मैंने उसको उससे हल्के हल्के डॉट्स शो कर दिए हैं। ये डॉट्स आप डायरेक्ट पेंसिल की टिप से भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ लगा कि मेरे को ब्रश से लगाने हैं तो मैंने ब्रश से लगा दिए। वीडियो में ज़रूर बताइएगा कॉमेंट के अंदर कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो।
और कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। और इसके अलावा अगर आपका कोई चॉइस है, आप चाहते हैं कि मैं किसी कुछ आप लोगों की डिमांड है कि मैं वीडियो बनाऊं रिलेटेड टू आर्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर दीजिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके डिमांड पर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये जो पेंसिल कलर्स के वाटर कलर पेंसिल कलर के वीडियो बना रही हूँ, ये भी मेरा डिमांड पे ही वीडियो बना रही हूँ मैं। किसी ने रिक्वेस्ट डाली थी कि वाटर कलर पेंसिल्स के वीडियो देखना चाहते हैं वो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।